फॉरेस्ट बाथ, जंगल से नहाना, इसका मतलब पता है क्या? बताता हूँ। जापान में डॉक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, वर्क स्ट्रेस ज्यादा है, यू नो डिप्रेस्ड हो, या यू नो अनकंफर्टेबल हो, कुछ भी हो, तो लिखते हैं कि जाओ फॉरेस्ट में जाओ, फॉरेस्ट बाथ करो एंड डी स्ट्रेस हो जाओ। मेरा एक इंटरेस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन है, फॉरेस्ट को घर में लेके आ जाओ और बात ही बात करो, बात बात बात, जो भी बात करो। ओके, ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन। जब नेचर को आप अपने घर में लेके आते हो या नेचर में आप वक्त बिताते हो, तो आपका पूरा सिस्टम यू नो एक ऑटो ट्यून होता है, मतलब उसका ट्यूनिंग ठीक हो जाता है एंड यू फील रियली गुड। सिमिलरली जब आप ऐसा कोई एक कुछ क्रिएट करते हो तो तब भी वही एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत दिनों पहले मैंने एक फोटो देखा था, ऐसा ही एक क्रिएशन था एक गार्डन में, वो ब्यूटीफुल था। एंड हाल ही में हमारे संदीप भाई ने कुछ एक यू नो वुड सेटअप दिखाया मेरे को कि कुछ करना है उसमें, एंड आई थॉट व्हाई नॉट वी क्रिएट दिस ब्रोमेलियड एंड स्पैनिश मॉस वाला डिजाइन, ट्रॉपिकल जंगल एक्वा टेरेरियम, एक्वेरियम भी है, टेरेरियम भी है, ट्रॉपिकल जंगल लुक भी है। सो दिस वॉज द आइडिया। एंड आज आप देखने वाले हो कि इस इमेजिनेशन या जो भी आप कह सकते हो, इसको हम रियलिटी में कैसे बदलते हैं। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। सो पूरा वीडियो देखो और मजा लो। सो अभी हम लोग अपना प्रोजेक्ट चालू करते हैं। नाउ कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने से पहले चाय या कॉफी का जरूरत होता है। मजा कर रहा हूं, सीरियस हो जाते हैं। आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हो, यस, बिकॉज ये आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन है जिसको आप रियल बनाने वाले हो। मन में एक आइडिया है, उसको रियल बनाना है। नाउ कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज ना रियल बनना मुश्किल या प्रैक्टिकल नहीं होता, बिकॉज इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है बट प्रैक्टिकली वो हो सकता है नहीं हो सकता है, वो हमेशा डाउट वाला सिचुएशन होता है। यहां पे मेरे मन में कुछ है एंड मैं वो रियल करने जा रहा हूं, उसके लिए हमेशा प्रिपरेशन की जरूरत होती है, वो समझा देता हूं। चाय तो पी लेने दो। So, आपका कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे हमारा यहाँ पे हम लोग एक बना रहे हैं रेन फॉरेस्ट एक्वा टेरेरियम, यूनिक है। पहले तो उसका पोजीशन, आप कहाँ पे रखने वाले हो अपने घर में, लाइट सेट करो, स्टैंड सेट करो, टैंक सेट करो, टैंक का साइज क्या होना चाहिए, ये सब डिसाइड करो। मिस्टेक्स हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, थोड़ा टैंक हाइट बन गया, थोड़ा लो बन गया, वो सब एडजस्ट हो सकता है, मैं बताऊंगा। बट जनरल सेटअप कैसा होना चाहिए, कहाँ पे आप घर में रखने वाले हो, ये सब देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आपका वो फाउंडेशन मेन पीस जो आप अंदर रखने वाले हो। नाउ यहां पे एक दो तीन चार, एक्चुअली तीन पीस वुड है, अलग अलग वुड है जो हमने स्टिक किया है। नाउ ये स्टिकिंग के डिटेल वो सब मैं नहीं जाने वाला हूं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में मैं दिखा चुका हूं। प्लस हमने बहुत सारे रूट स्टिक किए हैं सर, बहुत सारे रूट स्टिक किए ताकि वो नीचे गिर रहा है। हमने एक और बहुत इंटरेस्टिंग काम किया, बट उससे पहले ये बताता हूं। फिर ये बनने के बाद, ये पूरा सेट स्टिक होके बनने के बाद, हमने टैंक में रखा और हमने देखा कि वो हाइट कम हो रहा है। जैसे अभी देखो, ये बहुत ज्यादा टैंक के अंदर गया है, बट मुझे थोड़ा और हाइट चाहिए, ये बाहर आना चाहिए, थोड़ा और ऊपर आना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है टैंक के अंदर बहुत ज्यादा है। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक किया, समझाता हूं। So, जैसे आपने देखा, ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई पत्थर रख सकते हैं नीचे, पत्थर हैवी हो जाता है, प्लस मे बी ये बैलेंस ठीक से होगा नहीं होगा पता नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि ईट रख दो, बट देन वो गंदा होता है। सिंपलर एक ऑप्शन है जहां पे आप ऐसे कुछ यूज करेंगे, इसको हम ड्रेन सेल बोलते हैं, कोई भी गार्डन स्टोर या हार्डवेयर स्टोर में मिलेगा ये, ज्यादातर एक्वाफोनिक्स या गार्डनिंग में यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है वो वॉल्स बनाने के लिए, वॉल गार्डन्स वगैरह बनाने के लिए ये ड्रेन सेल यूज होता है। तो ये हमने एक कंट्रैप्शन बनाया, एंड कंट्रैप्शन क्या है, यही ड्रेन सेल का हमने तीन बड़ा बड़ा पीस लिया, ये साइज का पीस लिया जो एग्जैक्टली हमारा जो फ्रेम है या हार्डस्केप है वो बैठ सके ऊपर, एंड इसके ऊपर हमने कपड़ा डाला है। इस कपड़े को जियो फैब्रिक बोलते हैं, अगेन गार्डनिंग में यूज होता है, ग्रीन वॉल्स बनाने के लिए या वॉल गार्डन बनाने के लिए यूज होता है। ये यूज करने का एडवांटेज क्या है, पानी इसके अंदर जाएगा, फ्लो होगा, प्लस अंदर बैक्टीरिया कॉलोनाइज होगा, सो इट्स अ बेनिफिशियल थिंग। जस्ट स्टोन यूज करने से गलती कुछ नहीं है, बट थोड़ा बेनिफिट तो होता है, राइट? प्लस
एडवांटेज ये भी है कि इसमें हम मॉस या कोई प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। सो ये हमने सेंटर में रख दिया, पोजीशन एडजस्ट करेंगे। बट उससे पहले एक और चीज जो हमने बनाया है, इसमें क्रिएट किया यूनिक, मुझे आपको दिखाना है। उसके लिए पहले हमें इसको घुमाना पड़ेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर का बैक है, द बैक सेक्शन। यहाँ पे हमने ओआजे का एक छोटा पंप यूज किया है, ऑक्सीमैक्स। उसका नंबर वगैरह मैं डाल देता हूं, आप देख लो, यहाँ पे इमेज है। एंड एक स्प्लिटर लगाया है, ये अगेन स्प्लिटर्स कोई भी एक्वेरियम स्टोर में मिल जाएगा। पंप पे ये स्प्लिटर कनेक्ट होता है एंड यहां से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आठ पाइप निकाला है और हर एक पाइप एक पोजिशन में आके रुकता है। जैसे एक पाइप यहाँ पे है, एक पाइप यहाँ पे है, इधर है, इधर भी है, इधर भी है, एंड इधर भी और इधर भी। आठ ऐसे अलग अलग लोकेशंस में हमने ये पाइप पीछे से ले आके यहाँ पे छोड़ा है। इसका यूनिकनेस एंड वैल्यू मैं समझाता हूँ। ऑल्सो ये जो ट्यूब्स है, हमने इसको भी ग्लू और कॉटन लगा के स्टिक कर दिया है ताकि ये अपने जगह से हिले ना। सो नाउ इसको घुमाएंगे। No, मुझे चाहिए कि प्लांट्स अलग अलग पोजीशन में हो, यहाँ पे भी हो सकता है या यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। एंड ये पोजीशन में अगर नॉर्मली रखा जाए तो ये सूख जाएगा, रूट्स में पानी नहीं आएगा। एंड ये पाइप्स जो है, ये ट्यूब्स जो है, इट वर्क्स लाइक अ वेन्स, अलग अलग जगहों पे पानी देगा। सेम पानी टैंक से उठाएगा और यहाँ पे छोड़ेगा और ये पानी वापस नीचे जाके टैंक में गिरेगा, राइट? यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। दिस इज जस्ट टू गिव वाटर टू एवरी पोजिशन इन द सिस्टम। एक ड्रिप इरिगेशन समझो। सो वी आर टेकिंग द वाटर एंड मूविंग इट अराउंड ताकि हमारा प्लांट्स को इजिली वाटरिंग हो जाए, रेगुलरली वाटरिंग हो जाए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसको हम वापस टैंक में प्लेस करेंगे एंड बाकी का प्रिपरेशन मैं दिखाता हूं, बहुत जरूरी है। नो, जब ये रेडी हो जाए, ये समझो कि एक 50% आपका काम रेडी हो गया। ये करने के लिए हमें कुछ 2 या 3 महीना लगा। ओके, नॉट बिकॉज हम नहीं कर सकते थे, बिकॉज सोचना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। अगला स्टेप जो है प्लांट्स, एंड हर एक स्टेप में आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, करेक्टली करो, यू नो, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो रिकरेक्ट करो, बिकॉज अगेन आप गो बैक टू योर इमेजिनेशन बार बार कि भाई हाँ क्या करना है मेरे को, क्या करना है मेरे को, एंड ट्राई टू मेक इट एज रियल एज पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेप है प्लांट। यहाँ पे हम मेजरली 2 वेराइटी के प्लांट यूज कर रहे हैं, एक ब्रोमेलियड, वो भी रेड कलर का। इसमें कुछ 3 वेराइटी के ब्रोमेलियड है, एक फायर रेड है, कुछ 2-3 और है, मुझे नाम याद नहीं आते, सब रेड ब्रोमेलियड स्पीशीज है। एंड स्पैनिश मॉस। नाउ ये ना स्पेन से है ना मॉस है, ये एक्चुअली एक एपिफाइट है, एयर प्लांट है। इसका जो साइंटिफिक नेम है नीचे लिखा है देखो। एंड ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये हवा से न्यूट्रिशन लेता है या एम्बियंट सिचुएशन से न्यूट्रिशन लेता है, तो बहुत इजी प्लांट है ग्रो करने के लिए। सो मजेदार प्लांट है एंड मेरा इमेजिनेशन को कंप्लीट करेगा, राइट? सो ये प्लांट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं? ये ब्रोमेलियड पॉट में आता है और मट्टी रहता है। सो पहला काम है वो पॉट से निकाल के मट्टी सब वॉश कर देना है ताकि रूट्स क्लियर हो जाए, इसमें मट्टी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये स्पैग्नम मॉस है। स्पैग्नम मॉस को ऐसे एक नेट बैग में या नेट कपड़े में ऐसा हम लेके, स्पैग्नम मॉस को ऐसा एक नेट का कपड़े में लेके, ये जो रूट्स है ये स्पैग्नम मॉस के अंदर डाल के हम ये पूरा नेट को ऐसा बांध देंगे। आप केबल टाई से ऐसा इसको बांध सकते हैं, ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। बांध दिया और केबल टाई का एक्स्ट्रा काट दिया, लाइक दिस हमें पोटली बनाना है। ये प्लांट्स जो है, ये रूट्स आप डायरेक्ट पानी में डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, एंड इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग पानी में डाल के उसको केबल टाई से बांध सकते हैं। मैं दिखाता हूं, स्पैनिश मॉस जो है एक्चुअली ये बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स का एक एक लाइन आप बोल सकते हो। सी, ये बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स का एक लाइन है, तो आप ऐसे काट के मल्टीपल लाइंस बना सकते हो, मल्टीपल लाइंस बना सकते हो एंड आप कहीं पे भी डाल सकते हो। सो ये हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। जो जो लगेगा ब्रोमेलियड्स हमने वो सब बांध के रेडी रखा है ऑलरेडी, ये सब प्रिपेयर होके रखा है, ये काम जरूरी है। थोड़ा हमारे पास शीट मॉस भी है जो लगेगा, वो भी हमने प्रिपेयर करके रेडी रखा है। एंड यहाँ पे मेरे पास थोड़ा फिसिडेंस मॉस भी है जो मैंने रेडी रखा है, जो
टैंक के अंदर जाएगा। यहां तक प्रिपरेशन अच्छा है, बट रिमेंबर टैंक है तो फिल्ट्रेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना फिल्टर का बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन कैसे होगा। सो इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन। नाउ यहां पे हम एक कैनिस्टर फिल्टर लगा सकते हैं, बिकॉज इसका जो डायमेंशन है ना, ये 2 feet by 1.5 by 1 है। सो 2 feet by 1.5 by 1, इसमें कुछ 80 to 85 liters पानी पकड़ेगा। थोड़ा कम ही रखने वाला हूं, तो हम लोग एक 75 liters पकड़ के चलते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा कैनिस्टर फिल्टर लगा सकता हूँ, नॉट एन इश्यू। मेरे पास यहाँ पे ओआजे का बायोस्टाइल फिल्टर है, बायोस्टाइल फिल्टर है एंड इंटरेस्टिंग फिल्टर है, हैंग ऑन बैक है, कन्वीनियंस के लिए ठीक है, बट कैनिस्टर इज ऑलवेज बेटर। इसमें हमने बायोमीडिया डाल के रखा है, हमारा ही क्लीन वाटर सीरीज का बायोमीडिया है, एंड ऑफ कोर्स फिल्टर मैट है। एंड ये फिल्टर यहाँ पे ऑलरेडी एक हफ्ते से चल रहा है पानी को साइकिल करने के लिए। उससे पहले एक 3-4 दिन चल रहा था कार्बन के साथ, ताकि अगर कोई टैनिंस वगैरह है वो निकल जाए, या इम्प्यूरिटीज वगैरह है वो निकल जाए। सो फिल्ट्रेशन भी रेडी हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा हार्डस्केप है। हार्डस्केप में हम लोग 3 तरीके के डिफरेंट साइज के पेबल्स यूज करने वाले हैं। फटाफट डालता हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। पहले मैं सोच रहा था थोड़ा सैंड डालूं, फिर पेबल्स डालूं, बट यहाँ पे अगेन कुछ इश्यूज है, बिकॉज ये हमारा जो ये टुकड़ा है, ये हमारा जो बेस है हाइट करने के लिए, ये स्ट्रेट है ऐसा, तो अगर सैंड डालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड इसमें मूवमेंट कम होगा, मतलब वाटर मूवमेंट कम होगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगा, सैंड उसको ब्लॉक करेगा, एंड सैंड क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू पेबल्स। सो मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 साइज के अलग अलग पेबल्स है। ये हमारा माया ब्रांड का जंगल ट्रेल ग्रेवल करके आता है, ब्यूटीफुल एंड नेचुरल है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आता है, तो इसको मैं मिक्स एंड मैच करके मैं यूज करने वाला हूं। नाउ स्टेप वन इज ऑलवेज बैक्टीरिया। माया के जितने भी सैंड पैकेट्स हो या आपके पेबल्स या ग्रेवल के पैकेट हो, उसमें बैक्टीरिया आता ही है। सो ये क्या करेंगे, हम लोग बैक्टीरिया डाल देंगे। नाउ इट डजंट मैटर आप कहां पे डालने वाले हो, मैं थोड़ा बैक्टीरिया डाल देता हूं। तो हमारे पास माया के 2-3 पैकेट है, तो 2-3 पैकेट बैक्टीरिया भी है। थोड़ा यहाँ पे डाला, थोड़ा पीछे डाला साइड में। नौ ये कहाँ गिरता है उसमें कोई इश्यू नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सामने की तरफ कुछ कचरा ना हो। ये थोड़ा साफ कर लो, सामने साफ करके, क्योंकि वो फ्रंट में मेरे को वो पिंक नहीं दिखना। एनीवे वो पानी में घुल जाएगा, एक्चुअली डजंट रियली मैटर। नौ पहला स्टार्ट करेंगे हम छोटे से, सामने डालते जाएंगे आराम से, बिकॉज बहुत सारे वुड पीसेस है, सामने से डाल रहा हूं मैं। नाउ मुझे यहाँ पे एक मैक्सिमम 1 centimeter का हाइट ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये देखो ज्यादा है, मुझे ये हाइट में चाहिए, तो थोड़ा मैं इसको पीछे करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। थोड़ा हमारा ये जो बैक का सपोर्ट है या बेस सपोर्ट है, इसके तरफ हम एंगल करेंगे। नेक्स्ट लेयर जब हम डालेंगे तो बेस को कवर कर दो। आइडियली हमें ऐसा एंगल चाहिए ताकि हमारा बेस कवर हो जाए। पीछे सब बाद में डालेंगे, पहले सामने देख लो। नाउ ये नेक्स्ट साइज का स्टोन्स है, इसको हम अगेन ऐसे डालेंगे जहां पे वो हमारा बेस कंप्लीटली कवर हो सके। एक चीज मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो बेस पूरा कवर होने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत दिखने वाला है, उसके लिए अलग ट्रिक है, मैं बताता हूँ। नाउ लास्ट में थोड़ा सा बड़े पत्थर भी डालेंगे। और ये बड़े पत्थर में मैं अनुब्रश डाल सकता हूँ, या एक छोटा पत्ता लेके इसको अनुब्रश को रख सकता हूँ, ऐसे कि वो बेस को थोड़ा कवर करे, वो भी हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा छोटा पत्थर डालेंगे ताकि सेम दिखे। नौ आप सबने अनुब्रश प्रिपेयर करते हुए बहुत बार देखा है, ये एक्स्ट्रा रूट काट दो, नहीं चाहिए हमें, और इसमें अगर कोई पुराना लीफ है वो भी हम काट सकते हैं, बिकॉज पुराना लीफ क्या करने वाला है, बहुत न्यूट्रिशन लेने वाला है एंड वो नए लीव्स को आने नहीं देगा। नाउ इम्पोर्टेंटली ये हमारा माया का ही स्टिकिंग जेल है, हम प्लांट में डालेंगे स्टिकिंग जेल। ओके ये जेल टाइप है देखो, एंड यहाँ पे स्टोन पे चिपका देंगे। नाउ ये चिपक गया, एंड इसको यहाँ पे ऐसे हम प्लेस कर देंगे, नेचुरल दिखेगा एंड इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और भी प्लांट्स है, मैं लगाऊंगा। तो हमारा स्टोन्स हो गया, यहाँ पे अनुबियस हो गया, लेकिन अभी भी ना कुछ कुछ जगहों पे ये हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो कपड़ा दिख रहा है। ट्रिक सिंपल है, मैं बताता हूँ। इसके लिए हमने फिसिडेंस मॉस लिया था। सो सेम प्रोसेस, थोड़ा सा मॉस पे हम क्या करेंगे, ग्लू या जेल लगा के ऐसे कपड़े पे चिपका देंगे।
नाउ पूरा चिपकाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा चिपकाएंगे कुछ कुछ लोकेशंस में तो वो मॉस अपने आप ग्रो हो जाएगा। फिर से मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा मॉस है, नाउ इसमें फिसिडेंस भी है, थोड़ा क्रिसमस भी है, सब थोड़ा मिक्स है, फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा हमने जेल डाला, हमारा माया का जेल डाल के हम अभी कोने में चिपका देंगे, इसको यहाँ पे चिपका देंगे एंड धीरे धीरे वो ग्रो हो जाएगा। काला कपड़ा यूज करने का यही एडवांटेज है। इसमें दो चीज, जैसे हमने किया, आप ग्लू या जेल लगा के मॉस को चिपका सकते हैं, या मॉस को अच्छे से चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े करके कपड़े पे आप घिस सकते हैं। एंड अगर आपको पहले प्रिपरेशन करना है तो कपड़े में घिस के देन आप उसको छोड़ देंगे एक 4-5 दिन ह्यूमिडिटी में, एक प्लास्टिक में रख के छोड़ देंगे तो मॉस अटक जाएगा एंड वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा। मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि कहाँ पे डालना है, इसलिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ा। एंड और भी मॉस जहां पे कपड़ा दिख रहा है हम और भी मॉस डाल देंगे और वो ग्रो हो जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े ही डालना है, पकड़ के ग्रो हो जाएगा एंड कुछ दिनों बाद वो पूरा ग्रीन हो जाने वाला है, राइट। ये रेडी होने का नेक्स्ट स्टेप है पानी डालना, बिकॉज ऊपर का हमें रेडी करना है। तो आप पूछोगे कि प्लांट सब रेडी करके पानी क्यों नहीं डालेंगे, पहले पानी डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ड्रिप इरिगेशन काम कर रहा है, किधर पानी आ रहा है, दूसरा मॉस कैसे लगाना है, प्लांट्स कहां पे लगाना है, राइट। सो पहले पानी डालेंगे। नाउ आप एक पाइप लगा के पानी डाल सकते हैं, ये हमारा ऑलरेडी साइकिल्ड पानी है, हमने साइकिल किया था, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ये साइकिल्ड पानी हमने बकेट में पकड़ के रखा था, ये वापस डाल रहे हैं। नाउ ये आपको यहाँ पे बबल्स दिख रहा है, बबल्स आते हुए, ये ड्रेन सेल के अंदर में जो हवा है वो निकल के बाहर आ रहा है, कपड़े के अंदर ड्रेन सेल के बीच में जो हवा है निकल के बाहर आ रहा है, दैट मींस पानी अंदर जा रहा है। दिस इज व्हाट आई वांटेड, अंदर से सर्कुलेशन एंड बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन। सो पानी हमने डाल दिया है एंड फिल्टर भी चालू कर दिया है। अगर आप प्री वॉश्ड स्टोन यूज करते हो, जैसे माया का प्री वॉश्ड आता है, तो आपको उतना डस्ट नहीं आएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह आता ही है। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिल्ट्रेशन में एंड वॉटर चेंज में वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा हमारे पास यहाँ पे डस्ट है, ठीक है, वो ऊपर फ्लोट होगा, बट फिल्टर चालू हो जाने के वजह से वो डस्ट सब निकल जाएगा एंड वो जाके हमारे फिल्टर फ्लॉस में, जो फिल्टर में अंदर कॉटन है उसमें जम जाएगा एंड क्लीन हो जाएगा। फिल्टर हमने यहाँ पे प्लेस इसलिए किया है ताकि मेरे को एक सर्कुलर मोशन मिले, बिकॉज आपको पता चल रहा है अभी मूवमेंट कैसे चल रहा है पीछे से। सो एक पूरा सर्कल घूम रहा है, सो कोई भी डेड स्पॉट नहीं होगा, ओके, ये जरूरी है। अगर आप कैनिस्टर फिल्टर लगाते हो तो आउट पाइप यहाँ पे लगाओ और इन पाइप वहां पे लगाओ, तो अगेन एक सर्कुलर मोशन मिलेगा। या आप पीछे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगला स्टेप फिश डालना है। नहीं, फिश तो डालेंगे बट वो लास्ट स्टेप है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ड्रिप इरिगेशन टेस्ट करेंगे। नाउ पीछे मैंने ऑलरेडी बताया था वो आजे का पंप है, ना वो पंप ऑन करेंगे एंड देखेंगे कि कहां कहां पानी आएगा। ये टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मुझे पता है, बट आपको तो पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। सो नाउ ये चालू है। याद रखो, आप अगर अच्छा क्वालिटी का मोटर यूज करते हो तो देन उसमें कंट्रोलिंग ऑप्शन रहता है, स्लो करके रखो, उसके बाद हम एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस एडिशनली यहाँ पे भी आप एक छोटा कंट्रोलर डाल के कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको पानी फास्ट लग रहा है तो स्लो कर सकते हो। नाउ मुझे लग रहा है ये ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा वो एडजस्टमेंट्स है जहां पे मेरे को चाहिए एंड वो हम कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है थोड़ा और, बट दैट्स नॉट एन इशू, वो कर सकते हैं। नाउ वी नो कहां पे पानी आ रहा है। सो जब हमें पता चल जाता है कि कहां कहां पे पानी है, हमें पता है अभी प्लांट्स कहां डाल सकते हैं। लाइक आई सेड अर्लियर, ब्रोमिलियाड्स को मॉइस्ट रहना जरूरी है, स्पेशली द रूट्स, ब्रोमिलियाड्स के रूट्स को मॉइस्ट रहना जरूरी है। नाउ ये पानी आप 24 आवर्स चलाने की जरूरत नहीं है, आप एक साइक्लिक टाइमर डाल के एवरी 1 आवर 10 मिनट्स के लिए चला सकते हो, या दिन में 2 बार या 3 बार आपने आपके सहूलियत के हिसाब से टाइमर लगा के, या आप ऑफ ऑन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमिलियाड्स का रूट ड्राई ना हो। नाउ हमने स्पैग्नम मॉस इसलिए यूज किया था बिकॉज हमें पता है कि स्पैग्नम मॉस पानी पकड़ता है एंड मॉइस्ट रखता है रूट्स को, राइट। सो वो एक एडवांटेज है। तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेप प्लांट्स डालते हैं। नाउ मेरे हाथ में एक टुकड़ा शीट मॉस है। शीट मॉस कोई भी दीवार पे, यू नो, पेड़ के ऊपर, ये ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है, बॉम्बे हो गया, वेस्टर्न घाट्स के पूरे एरिया में ये आपको दीवारों पे मिलेगा, जंगल एरिया में मिलेगा, कोई भी पेड़ में मिलेगा, किधर भी मिल जाएगा। नाउ ये शीट मॉस हम ऐसे जगह पे डालेंगे जहां पे पानी एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है। तो ये शीट मॉस मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ ताकि वो पानी को पकड़ के ग्रो हो, अच्छा भी लगेगा, वो एक ग्रीननेस आएगा। नाउ ऑल्सो मुझे यहाँ पे पानी चाहिए, ये एरिया में पानी चाहिए, बट ये पानी इधर वेस्ट हो रहा है, तो ये मैं क्या करूंगा,
कि ये मॉस का टुकड़ा को यहां पे पानी पे टच करूंगा। सी ये एरिया में पानी होने की वजह से मैं यहां पे टच करूंगा और ये मॉस को यहां पे मैं डाल रहा हूं। मॉस पानी को खींच के नीचे लाएगा और ये पूरा वुड इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड। सी आपको ये गीला होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे भी गीला होएगा अभी। नाउ मैं बताता हूँ आपको, सी ये पूरा गीला हो गया है, पानी है नीचे। सो ये एक अलग ट्रिक है। सिमिलरली ये पॉइंट पे हमने जॉइंट किया, ये दोनों वुड को जॉइंट किया है ये पॉइंट पे, तो इसको मैं ये जॉइंट को मैं कवर करूंगा, ये जॉइंट को मैं कवर कर दूंगा ताकि वो स्टिकिंग पॉइंट ना दिखे। अगेन उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट में वुड कट हुआ है, ये अननेचुरल है बिकॉज ये आरी से कटा हुआ है। इसको हम कवर करेंगे, अभी वो भी नेचुरल लगने लगा है। सेम थिंग हियर ऑल्सो, यहाँ पे हम अपना एक्वाटिक मॉस डाल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे पानी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्वाटिक मॉस लगा देंगे बिकॉज वो पानी के अंदर ज्यादा अच्छा आएगा और कवर अप कर देगा। सो दैट ऑल्सो इज फाइन। नाउ ये प्रोसेस हम पूरा जहां जहां हो सकता है हम कवर करेंगे, थोड़ा समय लेके कवर करेंगे और उसको रेडी करेंगे। नेक्स्ट हम ब्रोमेलियाड्स डालेंगे। ओके चलो, नाउ फर्स्ट स्टेप इज हम सबसे बड़ा वाला उठाएंगे, सबसे बड़ा वाला ब्रोमेलियाड उठाएंगे। नाउ यहां से हम सबसे बड़ा वाला उठाएंगे, ये वाला सबसे बड़ा भी है, सुंदर भी है, फायर रेड। नाउ जब हम ब्रोमेलियाड लेते हैं, हो सकता है कभी कभी ऐसा ये लाइफ पुराना है, टूटा है, डोंट वरी अबाउट इट, अपने आप गिरने दो, आप कुछ मत काटना, अरे वो अच्छा नहीं दिख रहा है, वो सब नहीं करना है। सो सबसे बड़ा वाला हम अपना प्रोमिनेंट जो पोजीशन है, नाउ इंपॉर्टेंट है पानी आना चाहिए और प्रोमिनेंट पोजीशन मेरा यहां पे है बिकॉज ये मेरा गोल्डन रेशियो में ये बहुत सुंदर लग रहा है। ओके ये सबसे बड़ा है, मैं यहां पे डाल रहा हूं। सी नाउ यहां पे पानी भी आ रहा है, सो वो पोजीशन अच्छा है। तो यहां पे हम ऐसे इसको केबल टाई लगा के बांध देंगे। सो हमारा सबसे यूनिक या सबसे बड़ा पीस हमने यहां पे डाला है एंड मस्त दिख रहा है, राइट? बिकॉज अगेन गोल्डन रेशियो के हिसाब से ऑफ सेंटर है एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप बाकी के डालेंगे, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, बट इससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये दो लोगों का काम है बिकॉज ठीक से एक पोजीशन में पकड़ना जरूरी है एंड किसी को केबल टाई में बांधना जरूरी है। आप केबल टाई बांध सकते हो, धागा बांध सकते हो, जो आपको ठीक लगता है वो करो। केबल टाई मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है बिकॉज इजिली टाइट हो जाता है। कभी कभी बड़ा केबल टाई नहीं है तो दो छोटा केबल टाई लगा के भी आप यूज कर सकते हो। नहीं थोड़ा यहाँ पे रख तो वो वुड पे ना बैठेगा, इधर रख, देख इधर एक पीस है इस पे लगा। हमने यहाँ पे 5 ब्रोमेलियाड यूज किया है। मैंने एक अंदाजे से 10-12 ब्रोमेलियाड मंगाया था बट वो मेरा, मैं रेगुलरली जहां से लेता हूँ वो मेरे से बहुत खुश होके बड़ा बड़ा दे दिया। मेरे को छोटे छोटे चाहिए था तो मैं और डालता बट ये बड़ा बड़ा है तो मैं सिर्फ 5 ही डाल रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली दो पॉइंट, एक हमारे मॉस में थोड़ा मट्टी था तो पानी गंदा हो रहा है, बट नॉट टू वरी, कल सुबह तक साफ हो जाएगा, नॉट एन इश्यू। नाउ और भी कुछ प्लांट्स है मेरे पास जो मेरे को डालना है। पहला तो ये मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा बहुत बड़ा होता है, पानी के अंदर ग्रो हो सकता है, आप सीधा इसको टैंक में डाल सकते हो, गोल्डफिश के टैंक, कोई भी टैंक में डालो, नो प्रॉब्लम। ओके एंड इसको मैं यहां पे ऐसे पानी में डाल के मैं बांध दूंगा और थोड़ा है मेरे पास, मैं यहाँ पे पीछे डालूंगा बिकॉज मुझे ये पाइप्स वगैरह कवर करना है, राइट? सो यहाँ पे मैं ऐसे डालूंगा। नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा वो ब्लू कलर का पाइप दिख रहा है बट अगेन गीला है एंड हमारे पास शीट मॉस है तो क्या करेंगे, इस शीट मॉस को हम ऐसे पाइप के ऊपर लगा के कवर कर देंगे। सिमिलरली ये एक पोजीशन पे आपको नजर आ रहा है, सो ये भी कवर हो गया, थोड़ा यहाँ पे पीछे डालना है। एंड ऑल्सो अभी पूजा मैडम पीछे से दिखा रही है कि यहाँ पे आपको पाइप दिख रहा है, सो ये भी कवर हो जाना चाहिए, मॉस लगा देंगे। नाउ यहाँ पे ये जो हमने पोटली बनाया है स्पैग्नम मॉस के साथ, ये भी गंदा दिखेगा, सो अगर हम इसके ऊपर भी मॉस डाल दें तो वो कवर होके नेचुरल लगने लगने वाला है। ये पीछे का जो मॉन्स्टेरा है थोड़ा छोटा है एंड यू नो मजा नहीं आ रहा है, सो इसको चेंज करते हैं। एंड ये वाला आई थिंक ये एग्लोनिमा स्पीशीज है, आई थिंक इसको हम पीछे लेके आएंगे, ये ज्यादा बेटर लगेगा, इसको मैं बाद में बांध दूंगा। फाइनली मेरा इमेजिनेशन कंप्लीट करना है, मेरे को मेरा इमेजिनेशन कंप्लीट करना है एंड फाइनली मुझे थोड़ा स्पैनिश मॉस चाहिए जो स्पैनिश भी नहीं है और मॉस भी नहीं है। सो यहाँ पे मेरे पास स्पैनिश मॉस है, मैं इसको ना थोड़ा खोल रहा हूं, थोड़ा पतला कर रहा हूं और छोटा भी कर रहा हूं बिकॉज मेरे को बहुत लंबा नहीं चाहिए। एंड इसको मैं यहां पे डालूंगा, जैसे ये इससे नीचे आ रहा है, जैसे इसके नीचे से आ रहा है
ऐसे ही बाकी के ब्रोमिलियड्स के नीचे भी हम स्पैनिश मॉस डाल रहे हैं। सो ये मेरा जो इमेजिनेशन है इज वेरी क्लोज, बट ऑफ कोर्स यस, ये थोड़ा और ग्रो करेगा, और भी लश होएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक जंगल है, एक एरिया है जो स्ट्रीम है या रिवर है, छोटा सा स्ट्रीम है जिसके ऊपर एक ट्रॉपिकल जंगल है। सो यहाँ पे जो फिश होंगे इंटरेस्टिंग होंगे, राइट? सो ओवरऑल जब आप कोई भी चीज यू नो सोचते हो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप उसे क्रिएट ही ना कर पाओ। कोशिश करोगे तो नजदीक जरूर आओगे। कुछ अड़चने होंगे, कुछ इश्यूज होंगे, बट यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम अनलेस यू ट्राई, एंड यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू ट्राई, बिकॉज कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, कोशिश करोगे सक्सेस भी मिलेगा। नाउ आप लोगों के ऊपर है कि आप मुझे बताओ कि ये कैसा लग रहा है। एंड फिश हम डालने वाले हैं ड्रेप फिन बार्ब। मैंने ये फिश एक्लिमेटाइज करके रखा है, क्वारंटाइन में रखा है, ओके, एक दो तीन दिन और फिर उसके बाद मैं डालूंगा। तब तक ये पानी सब साफ हो जाएगा, एक वाटर चेंज भी कर देंगे। लास्ट काम जो हमें करना है इंपॉर्टेंटली, या पहले ही कर देना था, अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर यूज करते हो तो क्लोरीन रिमूवर या एंटी क्लोरीन यूज करो, ठीक है? ये ऑलरेडी साइकिल्ड पानी है तो इसमें क्लोरीन नहीं है, तो डालने की जरूरत नहीं है। यस, बैक्टीरिया है बट डालेंगे। नाउ लाइक आई सेड, ये कुछ 80 लीटर्स का है, बैक्टीरिया डालेंगे 1 ml फॉर 10 लीटर, सो 80 लीटर्स मतलब 8 ml डालेंगे। यहाँ पे ये कैप जो है 7 ml का है या 6-7 ml का है, तो एक 1.5 कैप डाल देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा गिरा नॉट एन इश्यू। ये बैक्टीरिया डाल दिया, ये ज्यादा नहीं, 2-3 दिन जब तक फिश हम लोग रेडी करके डाल देंगे, फिश का क्वारंटाइन खत्म होगा, ये साइकिल होके रेडी हो जाएगा, फिर हम इसमें फिश डालेंगे। ऑल्सो इसमें आप एक ब्लैक वाटर सिस्टम कर सकते हो, एंड अगर आपके पास आलमंड लीफ है, छोटे स्टिक्स है, पत्ते हैं, ये सब आप इसके अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, वो और भी थोड़ा नेचुरल लगेगा। नाउ ये स्टिक्स सब फ्लोट होने वाला है, तो मैं इसको कुछ और दिन में भिगो के फिर मैं डालूंगा। सेम थिंग विद द आलमंड लीफ, सो ओवरऑल आपको स्टिक्स दिखेगा, थोड़ा लीफ पत्ता, लीफ लिटर, एंड ये ब्लैक वाटर सिस्टम भी बनेगा, और आलमंड लीव्स फिश के लिए भी अच्छा है। सो आशा करता हूं कि आपने ये वाला जो ट्रॉपिकल एक्वा टेरेरियम या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्वा टेरेरियम जो है, आपने कुछ सीखा, देखा, मजा लिया, एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जो आप सीख सकते हो आप अपने टेरेरियम जब बनाओगे, एंड ऑफकोर्स टिप्स एंड ट्रिक्स भी था जो मैंने आपको दिखाया सिखाया, ये इंटरेस्टिंग है, एंड मैं आशा करता हूं आपने एंजॉय किया। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, संदीप एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिश, शब खैर एंड सत श्री अकाल। ऑफ कोर्स एज ऑलवेज बहुत जल्दी मिलेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग आइडियाज, इंटरेस्टिंग इमेजिनेशंस टू रियलिटी, बहुत कुछ होने वाला है, होते ही रहेगा, ओके, एंड आप मजा लेते रहोगे। चलो बाय बाय।